वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स धन एक है। ठीक, हमें यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों क्वेश्चन में हमें ये चेक करके बताना है कि ये एक्स धन एक दिए गए इन बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर में ज़ीरो ले लेंगे। ज़ीरो लेने के बाद x का जो मान आएगा उस x के मान को हम इन बहुपदों में रखेंगे और इन बहुपदों में उस मान को रखने पर यदि शेषफल क्या है हमारा, शून्य है ना। यदि शेषफल आए हमारा शून्य तो फिर यह रैखिक बहुपद इन बहुपदों का गुणनखंड होगा। ठीक है, और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो ये बहुपद इन बहुपदों का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हल, सबसे पहले हमें x धन एक को शून्य के बराबर ले लेना है। तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, ऋण एक। ठीक है, अब दिए गए बहुपद को ना px के बराबर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो x px बराबर x घन धन x वर्ग धन x धन एक। ठीक है, अब इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इस ऋण एक को रख देंगे। तो ये हो जाएगा p, ये हो गया ऋण एक, ये ऋण एक का घन धन ऋण एक का वर्ग धन ऋण एक धन क्या होगा, एक। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर घन लगा हुआ होता है तो उस संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक संख्या ही आता है। तो ऋण एक का घन क्या होगा, ऋण एक। धन यहाँ पर ऋण एक का वर्ग कितना होता है, एक। ठीक है, ऋण एक का वर्ग कितना होता है, एक। यहाँ पर ऋण धन का क्या होगा, ऋण, और यहाँ पर लग जाएगा एक, और एक क्या हो गया, धन एक। ठीक है, अब देखिए ये ऋण एक से धन एक कैंसिल, ऋण एक से धन एक कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास, शून्य है ना। तो p ऋण एक का मान कितना आया, शून्य। और मैंने पहले ही बताया था कि यदि शेषफल कितना है, ज़ीरो, तो यह बहुपद इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ x धन एक दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि गुणनखंड होने की शर्त क्या है, कि यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो कितना आना चाहिए, शून्य। ठीक है, यदि शून्य आ रहा है शेषफल तो यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि शून्य के बजाय कुछ और आता है तो फिर गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी x धन एक के बराबर शून्य रख देंगे तो x बराबर कितना आएगा, ऋण एक। ठीक है, अब दिए गए बहुपद को px के बराबर में ले लेते हैं तो px बराबर x की घात कितनी, चार, धन यहाँ x का घन धन x का वर्ग धन x धन कितना, एक। अब देखिए मान रखेंगे तो हो जाएगा p ऋण एक बराबर ऋण एक की घात चार धन ऋण एक का घन धन ऋण एक का वर्ग धन ऋण एक धन क्या, एक। अब देखिए यहाँ पर ऋण एक की घात चार दी हुई है। ठीक है, ऋण एक की घात चार का मतलब होता है ऋण एक गुणा ऋण एक गुणा ऋण एक गुणा ऋण एक। ठीक है, ऋण एक का ऋण एक में गुणा करेंगे तो धन एक, धन एक का ऋण एक में गुणा करेंगे तो ऋण एक, फिर ऋण एक का ऋण एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक। इस प्रकार यदि किसी को डायरेक्ट ना बने तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आया, एक। अब यहाँ पर भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ऋण संख्या के ऊपर यदि घन लगा होता है तो उस संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक आता है, तो हो जाएगा ऋण एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धन ऋण एक का वर्ग कितना होता है, एक। यहाँ पर ऋण धन का क्या होगा, ऋण एक, धन क्या होगा यहाँ पर, एक। अब देखिए धनात्मक एक से ऋणात्मक एक कैंसिल, धनात्मक से ऋणात्मक कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया, एक।
ठीक है, तो यहाँ पर पी ऋण एक का मान कितना आया, एक, है ना। पी ऋण एक मतलब हमने x की जगह ऋण एक रखा तो हमारा मान आया एक, जो कि क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। और गुणनखंड होने की शर्त क्या होती है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, शेष पर शून्य आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। तो लिख देंगे अतः x धन एक दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x धन एक बराबर शून्य, तो x बराबर ऋण एक, ठीक है। अब दिए गए बहुपद को पी एक्स के बराबर रखेंगे तो x की घात चार धन तीन एक्स का वर्ग धन तीन एक्स का वर्ग धन x धन क्या होगा, एक। अब ऋण एक रख देंगे तो p ऋण एक बराबर ऋण एक का ऋण एक की घात चार धन तीन ऋण एक का घन धन तीन ऋण एक का वर्ग धन ऋण एक और ये धन एक। अब इसे सॉल्व करते हैं। ऋण एक के ऊपर घात चार लगी हुई है जो कि एक सम संख्या है ना, तो ऋणात्मक संख्या के ऊपर यदि सम संख्या हो घात के रूप में तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक धन तीन, ऋण एक का घन कितना होता है ऋण एक, धन तीन ऋण एक का वर्ग कितना होता है एक, और यहाँ पर ऋण धन का क्या हो जाएगा ऋण, और ये एक और ये धन एक। इसे भी सॉल्व करेंगे तो होगा एक, फिर ये देखिए तीन से ऋण एक का गुणा होगा तो ऋण तीन, धन तीन एक का तीन ऋण एक धन एक, ठीक है। अब ये देखिए ऋण तीन से धन तीन कैंसिल, धनात्मक एक से ऋणात्मक एक कैंसिल, क्या बचा एक, ठीक है, जो कि हमारा शेषफल, और शेषफल एक आया तो जो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर यह इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः x धन एक दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसे भी सॉल्व करते हैं। x धन एक बराबर शून्य, तो x बराबर ऋण एक, ठीक है। मान रखेंगे p x बराबर क्या है, बहुपद लिख लेते हैं सबसे पहले, तो x घन ऋण x वर्ग ऋण कोष्टक में दो धन वर्गमूल दो और ये बाहर गुणे में x धन वर्गमूल दो। मान रखेंगे तो p ऋण एक बराबर ऋण एक का घन ऋण एक का वर्ग ऋण दो धन वर्गमूल दो, और यहाँ पर रख देंगे x की जगह ऋण एक धन क्या होगा वर्गमूल दो। अब देखिए यहाँ पर ऋण एक का घन क्या होता है ऋण एक, ठीक है, ऋण, और ऋण एक का वर्ग क्या होता है एक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऋण एक का गुणा दो से करेंगे तो क्या आएगा ऋण दो, अभी कोष्टक ओपन नहीं कर रहे हैं इसलिए कोष्टक में ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर ऋण एक का गुणा होगा वर्गमूल दो से, तो क्या होगा ऋण वर्गमूल दो, धन क्या है वर्गमूल दो। अब देखिए ये हो गया ऋण ऋण को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया ऋण दो, अब ये ऋण ऋण का क्या हो जाएगा ऋण का गुणा ऋण से होगा तो क्या होगा धन दो, ठीक है, और ये ऋण ऋण का क्या होगा धन वर्गमूल दो और ये वर्गमूल दो, ठीक है। अब देखिए ऋण दो से धन दो कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल दो में वर्गमूल दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दो वर्गमूल दो, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा शेषफल जीरो नहीं आया है ना, तो इसको लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः x धन एक दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है,
शेषफल जीरो नहीं आया है, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो इसे भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि यह त्रिघाती बहुपद इस रैखिक बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करने पर यदि हमारा शेषफल कितना है, शून्य, तो ये जी एक्स इस पी एक्स का गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी एक्स बराबर एक्स धन एक बराबर क्या ले लेंगे, शून्य, तो एक्स बराबर क्या आएगा, ऋण एक। ठीक है, आप क्या करेंगे, पी एक्स में मान रख देंगे, तो पी ऋण एक बराबर दो, ऋण एक का घन धन ऋण एक का वर्ग, और ये दो ऋण एक, ऋण क्या हो जाएगा, एक। हमने कुछ नहीं किया है, ऋण एक को जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ रख दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा दो। अब हमें पता है कि ऋण एक का घन कितना होता है, ऋण एक, धन ऋण एक का वर्ग क्या होता है, एक। अभी हो गया ऋण दो में ऋण एक का गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो क्या आएगा, धन, और दो एक कम दो, ऋण यहाँ पर क्या, एक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दो का ऋण एक से गुणा होगा तो ऋण दो, धन यहाँ पर एक, धन के दो और ऋण के एक। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक दो से धनात्मक दो कैंसिल हो गया, धन एक से ऋण एक कैंसिल हो गया, तो कितना आया, शून्य। ठीक है, हमारा शेषफल कितना आया, शून्य। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये रैखिक बहुपद है जी एक्स इज पी एक्स त्रिघाती बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, इसे भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम को क्या करना होगा, जी एक्स के बराबर जो मान दिया हुआ है उसको हम शून्य के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ x का मान कितना आएगा, ऋण दो। ठीक है, अब इस पी एक्स में हमको क्या करना है कि x की जगह पर ऋण दो रख देना है। तो सबसे पहले x का घन धन तीन एक्स का वर्ग धन तीन एक्स धन एक। ठीक है, अब ये p ऋण हो गया दो बराबर ऋण दो का घन धन तीन ऋण दो का वर्ग धन तीन और ये ऋण दो धन क्या होगा, एक। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, तो दो का घन कितना होता है, आठ, है ना, दो गुणा दो आठ होता है, तो ये हो जाएगा ऋण आठ। ठीक, अब ये धन तीन, अब ऋण दो का वर्ग कितना होगा, चार। ठीक है, दो गुणा दो बराबर चार। अभी देखिए ऋण धन का क्या होगा, ऋण, ठीक है, तो तीन में दो का गुणा करेंगे तो छः, धन क्या होगा, एक। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हो तो ऋण आठ और ये चारतिया बारह, ऋण छः या धन और ये धन एक। अब यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं को और धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं तो ऋण एक और ऋण छः कितना होगा, ऋण फोर्टीन और ये प्लस बारह में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, तेरह। कितना आया, चौदह में से तेरह जाएंगे तो एक बचेगा, है ना। तो शेषफल कितना आया, ऋण एक, है ना, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा इसलिए हमने यहाँ सामने ऋण लगा दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वो जीरो के बराबर नहीं आया है, अतः लिख देंगे अतः। अब आप लोग बताइए क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, जी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जी एक्स बराबर एक्स ऋण तीन बराबर क्या, जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तीन। ठीक है, अब पी एक्स में मान रखेंगे तो ये पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन ऋण चार
x का वर्ग धन x, धन क्या है यहाँ 6, ठीक है, मान रखेंगे तो p और x की जगह अब हो जाएगा 3, 3 का घन ऋण 4, 3 का वर्ग धन 3 और ये 6, ठीक है, x की जगह हमने रख दिया 3। अब सॉल्व करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, 3 गुणा 3 9 और 9 गुणा 3 27, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, धन यहाँ 3 और ये 6, ये हो गया 27 और ऋण हो गया 9 चौके कितना होता है 36, धन कितना 3 और ये धन 6। अब धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 27 3 कितना होता है 30, 30 और 6 36, तो ये हो गया 36, ऋण कितना 36, 36 से 36 क्या होगा कैंसिल, तो कितना आया P3 का मान 0, ठीक है। और एक गुणनखंड होने की कंडीशन ही है कि हमारा शेषफल कितना आना चाहिए 0, तो लिख देंगे अतः GX PX का एक, बोलिए गुणनखंड है कि नहीं है, है, ठीक है, GX PX का एक गुणनखंड है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति पे एक्स ऋण एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो, ठीक है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि ये पी एक्स का गुणनखंड एक्स ऋण एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हमने देखा था कि जब किसी पी एक्स का कोई गुणनखंड होता था तो पी एक्स का मान कितना आना चाहिए था 0, है ना, जैसे कि हमने अभी शेषफल वाला किया था कि यदि लास्ट में हमारा शेषफल 0 आता है तो यह दिया गया रैखिक बहुपद त्रिघाती या अन्य बहुपदों का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब गुणनखंड है तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, या पी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स ऋण एक के बराबर 0 ले लेते हैं तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि हमें दिया हुआ है कि एक्स ऋण एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः क्या होगा बताइए, अतः पी एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि गुणनखंड होने की कंडीशन या शर्त ही ये होती है कि पी एक्स का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पी एक्स के बराबर क्या है 0, तो इस पद के बराबर या इस पूरे बहुपद के बराबर भी क्या होगा 0, तो लिख देते हैं यहाँ पर x का वर्ग धन x धन के बराबर भी क्या होगा 0। अब यहाँ पर x की जगह मान रख देंगे तो 1 का वर्ग धन 1 धन के बराबर क्या होगा 0, 1 का वर्ग कितना होता है 1, धन क्या हो गया 1, धन यहाँ पर क्या हो गया k बराबर क्या हो गया 0। अब 1 और 1 को जोड़ लेते हैं तो 2 धन k बराबर क्या हो गया 0। अब हमें k का मान निकालना है, ठीक है, तो k का पक्ष सॉरी इसके साथ जो दूसरा पद है उसे हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो इधर ये धन 2 है, पक्षांतर होके क्या हो जाएगा ऋण 2, और ऋण 2 ही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा काम है भाई कि एक्स ऋण एक बराबर क्या ले लेते हैं 0, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान कितना आएगा 1, अब सेम लाइन यहाँ पर लिख देनी है चूंकि एक्स ऋण एक पी एक्स का एक गुणन खंड है, अतः क्या होगा बच्चों बताइए, अतः पी एक्स बराबर हो जाएगा क्या 0, ठीक है। अब पी एक्स का मान 0 है तो इस बहुपद का मान भी क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा 2 एक्स का वर्ग धन के एक्स धन वर्गमूल 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 2 मान रखेंगे 1 का वर्ग धन के, यहाँ रख दिया 1 धन वर्गमूल 2 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है ना। अब ये 2 1 का वर्ग कितना होता है आप सबको पता है 1, धन 1 का के से गुणा होगा तो के ही आएगा, धन क्या होगा वर्गमूल 2 बराबर में क्या ले लेंगे 0।
अब देखिए दो एकम दो धन के, धन क्या वर्गमूल दो बराबर क्या हो गया शून्य। अब हमें के का मान चाहिए तो बाकी पदों का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा के, दो का पक्षांतर होगा तो ऋण दो और वर्गमूल दो का भी पक्षांतर होगा तो वर्गमूल दो, लेकिन क्या ऋणात्मक वर्गमूल दो। ठीक है, अब ये देखिए ऋण हमें अच्छा नहीं लग रहा तो ऋण को क्या करेंगे उभयनिष्ठ या कॉमन ले लेंगे तो ऋण सामने लग जाएगा। ठीक है, अब ये कोष्टक लगा दिया, यहाँ हो गया दो और ये धन क्या क्या हो जाएंगे वर्गमूल दो और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है एक्स ऋण एक बराबर क्या ले लेना जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों एक। ठीक है, अब क्या करना है चूंकि हमें एक्स ऋण एक जो है हमारा पी एक्स का क्या है एक गुणनखंड है, अतः क्या होगा पी एक्स बराबर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब पी एक्स बराबर ज़ीरो है तो ये वाले बहुपद या इस पार्ट के बराबर भी क्या होगा ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे के एक्स का वर्ग ऋण वर्गमूल दो एक्स धन एक बराबर क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है ना, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक का वर्ग ऋण वर्गमूल दो और ये एक धन क्या होगा एक बराबर क्या होगा शून्य। एक एक का वर्ग कितना होता है एक और यहाँ पर वर्गमूल दो से एक का गुणा होगा तो वर्गमूल दो धन क्या होगा एक बराबर क्या होगा शून्य। ठीक है ना, अब एक से के का गुणा होगा तो के ऋण वर्गमूल दो धन क्या एक बराबर क्या शून्य। अब हमें के का मान चाहिए है ना, तो बाकी पदों को क्या करेंगे पक्षांतर तो के बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल दो इधर आके धनात्मक वर्गमूल दो हो जाएगा और ये ऋण का एक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्स ऋण एक बराबर क्या होगा शून्य, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक। ठीक है ना, अब क्या करेंगे चूंकि हमें एक्स ऋण एक लिख देंगे यहाँ पर पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः क्या होगा पी एक्स बराबर शून्य। ठीक है ना, आप क्या करेंगे इसके बराबर भी शून्य ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स का वर्ग ऋण तीन एक्स धन के बराबर क्या होगा शून्य। अब मान रख देंगे तो के एक का क्या हो जाएगा वर्ग ऋण तीन यहाँ पर हो जाएगा एक धन यहाँ पर के बराबर क्या होगा शून्य। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर के हो गया एक का वर्ग कितना होता है एक ऋण तीन एक कम तीन धन क्या होगा के बराबर क्या होगा शून्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा के का एक में गुणा करेंगे तो के ऋण यहाँ पर तीन धन यहाँ पर के बराबर हो गया शून्य। ये धनात्मक के आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा दो के। ठीक है, अब साथ ही साथ तीन का भी पक्षांतर कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा तीन। ठीक है, लेकिन हमें के का मान चाहिए तो के साथ जो गुणे में है उसका भी पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा के बराबर तीन और दो गुणे में इधर आके क्या होगा भाग में। ठीक, तो इस प्रकार के का मान कितना आया तीन बटे दो और यही क्या है आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो अगली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।